चलो बेटा तो। और काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि तुम जॉब कहाँ करते हो, तो टीम ले जानते तो बड़े वाले ले जाते हमारे यहाँ से। ये देखो गाइस ये जॉब पढ़ रखा है, कहाँ जा रही है इसको लेके? अच्छा जितने भी लोग मंथल से देख रहे गाइस, आज हम जा रहे हैं मंथल गांव में कार्ड बांटने। ओ भाई इसका हाथ सूज रहा है। देखो ये देखो गाइस मंथल गांव ये है, ठीक है। बैठ पड़ा ये लो। हां बैठ पड़ा बस बड़े भाई। तो गाइस यहाँ भी शादी है और यहाँ भी शादी है, यहाँ 17-18 अक्टूबर को है और पेंट अप हो रहा है। थैंक यू आप सब लोगों का ऐसा बोलने के लिए कि भाई तबीयत का ध्यान रखो। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अ न्यू एपिसोड। सो आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो मैंने कल बताया था अगर मेरी तबीयत सही होगी तब जाके मैं ड्यूटी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो सुबह क्या हुआ था कि मैं उठा 9 बजे, मेरी तबीयत वैसे हल्की ठीक है, हल्की मतलब अब वो नहीं हो रहा, सर दर्द नहीं हो रहा और हाथ पांव पे भी दर्द नहीं हो रहा, बस सिर्फ जुकाम ही लग रखा है। तो क्या था कि मैंने इस महीने की छुट्टी बचा रखी थी अपनी, और क्या है कि हमारे सर भी नहीं थे तो काम ज्यादा नहीं होता है। लाल क्या है कि मैंने कॉल भी नहीं किया आज ऑफिस में कि मैं नहीं आ रहा, जो सर थे हमारे उन्होंने बोला कि कल मत आना, तो सुपरवाइजर को पता है कि मेरी तबीयत खराब है। तो क्या होता है कि बहुत खुशी होती है कि बोलते हैं ना कि जब आपका बुरा वक्त आता है ना उसके बाद अच्छा वक्त भी जरूर आता है तुम्हारा। तो सबसे पहले जो मेरी जॉब लगी थी वो दिल्ली में लगी थी, तो दिल्ली में क्या सीन होता था, तुम्हारी तबीयत हो खराब या कुछ भी हो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, महीने की एक भी छुट्टी नहीं होती थी हमारे वहां जहां मैं फर्स्ट जॉब लगा था। और जैसे तुम्हारी तबीयत दिन में भी खराब होगी ना तो वो छुट्टी भी नहीं देते थे, दवाई खिला देते वहीं पे, तबीयत सही हो चाहे ना हो उसके बाद छुट्टी नहीं देते थे। और सुबह 9 बजे से 7 बजे तक ड्यूटी थी मेरी, तो मैंने सिर्फ 2.5 महीने वहां काम किए थे, उसके बाद मैं उधर मेरे को बेकार लग रहा था। तो अब जो मेरी जॉब लगी है उससे मैं सेटिस्फाई हूं, बिकॉज यहाँ ना छुट्टी की टेंशन है ना सैलरी की टेंशन है, सैलरी से भी सेटिस्फाई हूं मैं। और काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि तुम जॉब कहाँ करते हो, तो वो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बोला था, जिस सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ का जो डेटा है वो कहीं लीक मत करना, तो इसी वजह से मैं बता नहीं पाता कि मेरी जॉब का है। काफी सारे लोगों को तो पता होगा बट काफी सारे लोग पूछते मेरे को, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं और मैसेंजर पे भी, फेसबुक मैसेंजर पे मेरे को मैसेज आए थे कि आप कहाँ जॉब करते हो, तो इसी वजह से मैं रिप्लाई नहीं देता। तो फिलहाल क्या है कि आज मैं आके रेडी भी हो चुका हूँ, तो मौसम चेक करो गाइस पहले। और दीदी लोग जा रखे हैं, दीदी और मम्मी जा रखी है घास के लिए, रियांश छोटी वाली दीदी के पास है वो कपड़े सिल रही है। तो आपको तो पता ही है कि आज है सैटरडे और कल है संडे, कल भी हमारी छुट्टी है और परसों है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो उस दिन भी हमारी छुट्टी है। तो क्या है कि आपको तो पता ही है कि सब ड्यूटी जा रखे हैं, आज सब ड्यूटी जा रखे होंगे, बस रविंदर चाचा ही घर में है जो आर्मी वाले, मैंने बताया था तो उसको मैंने कॉल किया कि ऊपर में आ जा, तो वो बोल रहे कि फटाफट तू भी आ जा, मैं आ रहा हूँ इधर से। तो फिलहाल चलते गाइस, घर में कोई नहीं है, उसी के साथ चलते घूमने आगे जाएंगे। देखो गाइस रविंदर चाचा भी आ चुके हैं। अच्छा ये देखो गाइस ये जहाँ पड़ रखा है, कहाँ जा रही है इसको लेके? भाई इसको मधुमक्खी ने खा लिया भाई। कहे ओ भाई इसका हाथ सूज रखा है। देखो है कहाँ जा रहे थे इसको लेके? तो गाइस अभी रविंदर चाचा और मैं, आपने देखा होगा हम आगे गए थे घूमने, ब्लॉग नहीं बना पाया बट हम बहुत आगे गए थे घूमने, तो रविंदर चाचा तो घर चले गए, मैंने कहा भाई मैं भी चलता हूँ खाना खाने चलते घर। तो मैंने इसको कॉल की, ये कब से बोल रही थी कि मैं रील्स बनाना अपने फोन से, कभी आता ही नहीं तो हमारे घर दिन में। हाँ वो कहाँ गए तेरे भाई? तेरे भाई कहाँ गया? सो गाइस देखते हैं, अगर रील्स बनाने का मन हो इसका तो बना देंगे इसकी एक रील्स, आजकल तो भाई अकेली बना रही बंदी, पता नहीं किस किस गाने बना रही भाई। तो गाइस फिलहाल कुछ कार्ड भी लिखने के लिए हमारे यहाँ, तो पहले इसकी रील्स बना देते हैं कब से बोल रही थी और फिर चलते गाइस घर कार्ड लिखते हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे काम चल रहे है, हमारे ताई जी क्या लेके आ रही है ये? जी तो पकी भी नहीं ना उसे। तो गाइस यहाँ देखो मैं बोल रहा था ना परसों निकल लो, सीढ़ियाँ बन रही है, ये देखो आज इतनी बनी है। सो गाइस मम्मी ने काटे हैं सेब, ये देखो गाइस इसका नमक होता है ना पीसा हुआ नमक, इतना मस्त होना था ना। यहाँ यहाँ देख रहा कौन पीस रहा है? अच्छा कोई नहीं हम ऐसे खा लेंगे यार, जुकाम में खाने का मन कर रहा है भाई। सो गाइस ये देखो जो परसों जो प्रधानमंत्री वाला नल लगा था ना उसमें देखो पानी आ रहा है, देखो वो शायद चेक कर रहे हैं वहां से।
तो अभी आए थे ताऊ जी बोलने के लिए कि बता देना कि पानी आएगा जब ना, तो फाइनली पानी तो आने लग गया। अब पता नहीं कितने दिन में वो शायद नल वगैरह भी उन्हीं की साइड से लगेगा। अच्छा हो गया भाई, ऐसी योजना आनी चाहिए गाँव में। नहीं पॉपकॉर्न कौन खाएगा? रियाज पॉपकॉर्न खाएगा कि नमकीन खाएगा? क्या खाएगा बता 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 है? बोल रहे कुछ क्या खाएगा? नमकीन खाएगा पॉपकॉर्न खाएगा बता। अब देखो गाइस क्या भयंकर पानी आ रहा है। अब देखो सो गाइस ले जाते पॉपकॉर्न खाने के लिए। रियाज पॉपकॉर्न खाएगा ना? तो गाइस मैं तो सो रहा था मस्त घर गए, तब तक ताऊ जी आए बाहर की पटाड़ बाहर आओ तुम कार्ड लिखो। यहाँ पे देखो गाइस जल्दी जल्दी काम होने लग गया। ताऊ जी बोले नहीं इसको नहीं दिखाएंगे अब। ताऊ जी ऊपर में आ रहे, ताऊ जी ऊपर में चले गए। ताऊ जी ने बोले कि फटाफट कार्ड लिखे ऊपर में लाओ तुम, तो फटाफट निपटाना पड़ेगा गाइस। ये दे रहे उनके कार्ड कुछ लिख लिए कुछ, ये हमारे इधर उधर जो गाँव है उनके लिख रहे, तो फटाफट कार्ड लिखते और चाय पीते और फटाफट ऊपर में चलते ताऊ जी के पास कार्ड लेने के लिए। रियाज कौन लेके आया? कौन लेके आया रियाज? कौन लेके आया? लेके कौन आया? कौन लाया इसको? एक नाना। नाना लाया है? अरे ले यू। ये इतने सारे लेके आया मैंने। गाइस कार्ड तो पैक हो चुके हैं ऊपर में। अभी पिपी चाचा कॉल की फटाफट लेके आ जाओ ऊपर। ताऊ जी बोल रहे होंगे ना। अरे ये देखो गाइस इतनी सी बच्ची देखो यार। अबे अबे भाग रही है। ये निक्के लोगों की है गाइस। ये देखो देखो धूप पहले यहाँ जाती थी ना यहाँ, अब यहाँ जा रही। देखो कि लोगों की सीढ़ी देखो गाइस इतनी बन चुकी है। अब थोड़ी रह गई शायद ऊपर आएगा मेरे को। तो भाभी आए? हाँ चलो बेटा चलो बिस्किट। अरे नहीं बोले जानते तो बड़े वाले जाते हमारे यहाँ से। देखो पीछे पीछे वाट लग रखा। सो गाइस ऊपर से ताऊ जी के पास कार्ड दिए, जब तक घर में आया तब तक मम्मी लोग बोल रहे कि कार्ड बांटने जाओ। जो हमारे नजदीक नजदीक गांव है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ हमारे। अबे क्या हो गया इनको? कुछ भी मतलब यहाँ पे जाने के लिए देख रहे हो बस। तो हमारे जो नजदीक गांव है, गांव बता दो मंथल है ये गांव, तो वहां जाने के लिए बोल रहे मम्मी लोग। तो रविंदर चाचा देखा होगा आपने जो आर्मी वाला है, तो हम शाम को वैसे घूमने जाते हैं पर आगे जाते हैं। तो मैं उसको कॉल कर रहा, अभी शायद सो रखा है, अगर उठ जाएगा तो कॉल उठाएगा। तो हम जाएंगे सीधा गांव में कार्ड देने और आपको भी दिखा देंगे ना, एक्सप्लोर कर लेंगे थोड़ी गांव में कैसे कैसे कार्ड बांटते हैं। और जो उधर के होंगे तो उनको भी दिख जाएगा ना अपना गाँव। तो फिलहाल पहले चाय पीते, अगर चाचा ने कॉल उठा दी तो फिर आज जाएंगे, नहीं तो कल सुबह या शाम तक चले जाएंगे इधर उधर। अभी आगे भी जाना है कार्ड देने, तो हम सोच रहे कि एक तरफ से निपटा के जाए ना, बिकॉज क्या है कि 3 दिन की छुट्टी है मेरी। आज तो छुट्टी होगी मतलब कल है संडे की छुट्टी और परसों है गांधी जयंती। और मम्मी बोल रहे कि कल लकड़ी छोटी छोटी करनी, मैंने बताया था। मामा भी आ रहे कल, तो ऐसे लोगों को बोल रखा मैंने कल ही बोल दिया था उनको। तो भाई चाय बन चुकी है और ताई जी भी दूध लेने आ गए। देखो भाई अभी अभी तो अंधेरा बनी हुआ, ये देखो सब जगह चलेगा भाई। तुम ताई जी हमारे यहाँ से ले जाते भाई दूध पक्का, किसी ने कुछ बोला होगा है ना। अच्छा मुझे बता दी वो ताई की लड़की ने बोला होगा कि तुम भी आ रहे थे ब्लॉग में। ये देख लो कार्ड लग लगा रहा हूँ गाइस, कार्ड भी थैली में रख दिए। और जितने भी लोग मंथल से देख रहे गाइस, आज हम जा रहे हैं मंथल गांव में कार्ड बांटने। तो अभी दिखाता हूँ मंथल की खासियत बताता हूँ मैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि पहले गांव दिखा देता है। ये देखो गाइस मंथल गांव ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या सीन है, सर्दियों में इधर धूप नहीं आती और गर्मियों में भयंकर धूप आती है। ये देखो तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड भी थी कि गडोलिया गडोलिया भी जाना, तो गडोलिया कार्ड तो मामा ले गए हैं। तो अगर प्लान बने तो कल जा सकते हैं, जो कुछ कार्ड छूटे होंगे। और अभी हमने जाना है स्वाड़ी गाँव में, तो वहाँ भी देने कार्ड। और ये देखो कहाँ जा रहे भाई तुम? अपन दादी घर जा रही। अच्छा तो इनका घर देख रहे हो, ये दिख रहा है सामने पे, ये इनका घर। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो लोग पहले से मेरे ब्लॉग देखते होंगे, सबसे फर्स्ट जब ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, तो चौथा या पांचवा ब्लॉग देखना मेरा, सारे वॉलीबॉल के ब्लॉग होंगे मेरे। मैं उस टाइम ज़्यादा बनाता नहीं था, तो यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते थे। तो हमारे खेत है ये,
तो यहाँ पे आजकल ना जो नीचे रोड का काम चल रहा है ना, तो सारे नेपाली लोग इधर रहते हैं। देखो खतरनाक कर दिया इन्होंने यहाँ पे भाई। तो अब जब रोड का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद ये निकल जाएंगे यहाँ से, तो शायद एक महीने के अंदर तो खत्म हो ही जाएगा। बिकॉज पत्थर मैंने दिखाया आपको, पत्थर भी बीत चुके और पेंटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। तो फिलहाल रविंदर चाचा ने बड़ी मुश्किल से कॉल उठाई, मैंने जब दोबारा की तो बोल रहा कि कुछ दुकान में देंगे, कुछ बांटेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर तेरा मन नहीं लग रहा तो मैंने कहा कुछ दुकान में दे देंगे। मैंने कहा मैं पैदल आ रहा हूँ, तब तक स्कूटी में जाएंगे वहाँ से दोनों। वैसे मैंने बाइक लेके आनी थी बट स्कूटी है तो फिर बाइक की जरूरत है ना, नीचे से बहुत दिक्कत होती लाने में। आपको तो पता ही आजकल वहाँ पाइप लाइन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे सीमेंट दिखाई थी मैंने तो प्लस्तर हो रखा ना, तब जाके दिक्कत होती है। तो फिलहाल चलते गाइज और बांटते कार्ड, थोड़ी बहुत दिखा भी लूँगा जहाँ जहाँ मैं देने जाऊँगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं मंथल से, जो भी लोग हैं तो बता देना किस किस के यहाँ कार्ड आए हैं, कमेंट कर देना मतलब ना। ये देखो गाइज रविंद्र चाचा आ चुके हैं। सो रखा था क्या तू? गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ से पैदल जाना है। और हमारा गांव दिख रहा है यहाँ से? नहीं दिख रहा, चलते गाइस नीचे। ये है मंथल का गांव, यहाँ से शुरू हो गया नीचे तक है भाई, बहुत नीचे है। तो कार्ड इतने सारे देख रहे हो, बैठ पड़ा ये लाओ। हाँ ये मेरे दीदी का कार्ड, मोहन सिंह राम। अच्छा बैठ पड़ा। हाँ जी बस बढ़िया भाई, लो कार्ड तुम्हारा। हाँ दीदी भी हाँ दीदी पढ़ा बड़ा पढ़ा। हाँ पढ़ा। सो गाइस कुछ कार्ड तो दे दिया हमने, और जो मेरे दोस्त है ना उसकी मम्मी के पास भी हमने कुछ ये है। और अब हम जा रहे हैं अपनी क्लासमेट के यहाँ, तो कुछ कार्ड उनके यहाँ दे देंगे। ऐसे में इजी हो जाता है ना कि किसी के यहाँ दे दो फिर वो पहुँचा देते। तो फिलहाल उसके यहाँ तो जाना जरूर था। एक दोस्त जो था उसकी मम्मी के पास दिए, और एक दूसरा दोस्त है गाइस उसकी मम्मी के पास देते हैं। फिलहाल वहीं जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। बैठ पड़ नाम, ये मनवीर को करने वाले कोई कोई नहीं है, कल जाया दिल्ली आई। अच्छा यार हमने सोचा था यहाँ देंगे, ये गाइस मेरे दोस्त का घर तो यहाँ आए थे, मैंने सोचा यहाँ देंगे बट वो तो दिल्ली जा रहे हैं। हाँ मेरे को कॉल भी बता रहा था कि मम्मी भी दिल्ली आ रखी थी, तो देते गाइस अब सीधे चलते उधर ये फिर नीचे। हाँ इनके यहाँ दे देंगे, एक एक क्लासमेट ये भी था हमारा विकास, तो उसके घर पे देते गाइस। हाँ अरे कोई बात नहीं ना, फूफा नाम भाई प्रणाम। हाँ क्या गाइस यहाँ भी शादी है और यहाँ भी शादी है। यहाँ 17-18 अक्टूबर को है और पेंट अब हो रहा है। इनकी शादी है 23-24 तारीख सेम डेट पे। देखो भाई चैंपियन आ गए चैंपियन। बोल रहा कि खाना बन गया। हाँ हाँ कहा है यार खा लाओ भाई। गाइस मैच खेलने जा रहे थे वॉलीबॉल, जीत गए बराबर 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 के लिए गए। जब बंटी आए हम जाते थे ना पूरी वो, हाँ एक तरफ होता था मैच और बाइक लेके और स्कूटर लेके जाते थे हम। अब पैदल जा रहे हैं ये। पैदल गए क्या तुम? तो गाइस ये देखो भाई फॉरेन कंट्री वालों की वो क्या चॉकलेट। भाई आ रखे ना घर आजकल तो वही लाए होंगे। देखो रियाज ये लो, रियाज ये लो टॉपी, इसको बात करा बच्चों ये लो। इसके तो हाथ में ही नहीं आ रहा है। अबे क्या हो गया? अबे देख बाल लग दे तेरी भाई। किसने दिया ये है? किसने पता नहीं, ये देख रहा है। जा 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 भजन कर फटाफट। उसकी उसकी दादी गान वहां भजन कर रहा। रियाज कर चल कर भजन, भजन कर 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 कर। हाँ कर वहां पे कर, नानन जी को नमस्ते कर। गाना बंद हो गया बल। भजन भजन हाँ कर। सो गाइस फाइनली रात के बज रहे 9:30
तो कल का क्या सीन है कि कल मामा लोग आ रहे हैं, मैंने बोला था कि लकड़ी जो है दीदी की शादी की वो छोटी छोटी करनी है, बड़ी बड़ी तो है बट छोटी छोटी करनी है। तो आज लोगों को बोल दिया मैंने, नब्बी भाई लोग जितने भी होंगे सारे गांव के वो आएंगे। तो थैंक यू आप सब लोगों का ऐसा बोलने के लिए कि भाई तबियत का ध्यान रखो। काफी सारे मैसेज भी थे मेरे को इंस्टाग्राम पे, तो जो बोल रहे थे कि नब्बी भाई अपनी तबियत का ध्यान रखो, व्हाट्सएप पे भी किसी के मैसेज थे और यूट्यूब पे एक ही कमेंट था गेट वेल सून, थैंक यू चाचा आपका। और जो बोल रहे थे कि लवी भाई डॉक्टर में जाओ, और सुबह भी मैसेज करे, दिन में मैसेज और शाम को मैसेज की हुई तबियत ठीक, मैंने कहा भाई हो जाएगी बस आपकी दुआ चाहिए। तो थैंक यू आप सब लोगों का। फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।